इसराइल हमास युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से किसी ने भी उम्मीद नहीं जताई थी कि मिडिल ईस्ट में उठा बवाल ज्यादा लंबा खींचेगा, मगर दिन बीतते के साथ साथ महीने गुजरते गए, मगर इस युद्ध की गर्माहट पहले से भी तेज होती गई। गाजा से उठा तूफान पूरे मिडिल ईस्ट के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। ईरान समर्थित बाकी चरमपंथी समूह भी इसमें कूद गए। हालांकि बीच बीच में युद्ध विराम की खबरें सामने आती रही हैं, मगर दोनों खेमों की जिद ने सभी संभावनाओं को मिट्टी में मिला दिया। इस बीच हमास ने गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने को लेकर बड़ी पहल की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो हमास ने समझौते के पहले फेज के 16 दिन बाद इजरायली बंदियों को रिहा करने की इच्छा जताई। दरअसल बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल के साथ बातचीत शुरू करने के अमेरिकी प्रस्ताव को हमास की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि हमास ने अमेरिकी पहल को स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह के समझौते को मानने से पहले रखी अपनी बड़ी मांग को वापस ले लिया है। दरअसल पहले हमास ने इसराइल से बातचीत की शुरुआत से पहले स्थायी युद्ध विराम की मांग की थी। हालांकि अब हमास ने ही समझौते में रखी अपनी डिमांड में बड़ा फेरबदल कर दिया है। नए बदलाव के तहत शुरुआती 6 सप्ताह के फेज के दौरान बातचीत के जरिए युद्ध विराम पर काम किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि हमास के इस पॉजिटिव मूव को अगर इसराइल की ओर से मान लिया जाता है तो गाजा पर बीते 9 महीने से जारी दंश खत्म हो जाएगा। मालूम हो कि युद्ध में 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। खबरों की माने तो हमास के प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों और अस्थायी युद्ध विराम की गारंटी, सहायता वितरण की सुरक्षा और समझौते के दूसरे चरण को लागू करने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता की प्रगति के आधार पर इजरायली सैनिकों की वापसी की निगरानी के प्रावधान शामिल है। 2 दिन पहले ही मोसाद ने बताया था कि मध्यस्थ देशों ने इसराइल को समझौते पर हमास की प्रतिक्रिया की जानकारी दी थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महत्वपूर्ण चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कोई भी बातचीत कठिन और लंबी होगी। किसी समझौते पर पहुंचने में संभावित रूप से कई हफ्ते लगेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में शामिल देशों ने बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को नया प्रस्ताव दिया था। इसके बावजूद अहम रोड़ा ये भी था कि हमास युद्ध को खत्म करने और इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की मांग करता है, जबकि इजरायल ने हमास के खत्म होने तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है।